Today we are going to discuss a new poem that is The Toys by Coventry Patmore, Khilone. So The Toys, it is actually a religious poem by a poet that is Coventry Patmore. And this religious poem, Toys, is telling you about the relation between God and God-man. ये नज़म बताती है आपको कि खुदा और उसके बंदों के बीच के ताल्लुक के बारे में, ठीक है? तो दिस पोम स्टार्ट्स विद एन इंसिडेंट. ये नज़म एक वाक्य से शुरू होती है जो शायर के साथ खुद पेश आया. शायर कोवेंट्री पैटमोर एक शादीशुदा शख्स हैं, बट ही इज़ अ विडोवर. वो विडोवर हैं. विडोवर से मुराद कि इनकी जो वाइफ हैं उनकी वफात हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, ठीक है? और इनके एक बेटे हैं, तो छोटे से उनके बेटे हैं, तकरीबन वो शायद 7-8 साल के होंगे. एक ही बेटे हैं, ठीक है? अब उनके साथ, उनके मतलब शायर कोवेंट्री पैटमोर और उनके बेटे के साथ एक इंसिडेंट पेश आया, एक वाकया पेश आया, उसके बारे में हम इस नज़म में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टैंजा में वही बात है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में फिर उसका मैसेज है इस नज़म का, ठीक है? तो स्टार्टिंग इट. माई लिटल सन, मेरा छोटा लड़का, हु लुक फ्रॉम थॉटफुल आइज, जिसने मुझे सोच भरी निगाहों से देखा, एंड मूव्ड एंड स्पोक इन क्वाइट ग्रोन अप वॉइस, और आगे बढ़ा और बात की मुझसे बड़ों के तरीके से, हैविंग माई लॉ द 7th टाइम डिसोबेड, मेरे कानून के 7वीं बार उसने तामील नहीं की, मेरे कानून के 7वीं बार उसमें नाफरमानी की. आई स्ट्रक हिम एंड डिसमिस्ड, मैंने उसे पीटा और मैंने उसे भगा दिया, विथ हार्ड वर्ड्स एंड अनकिस्ड, उसको मैंने सख्त अल्फाज कहे और मैंने उसे बोसा भी नहीं दिया. तो कहते हैं कि अब इनके बेटे थे, छोटे बेटे, अब बाप ने कुछ बातें बोली अपने बेटे से, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ अहकाम दिए, ठीक है? तो बेटे ने उन अहकाम की पैरवी नहीं की. एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, और जब 7वीं बार उसने मेरे नाफरमानी की, मेरी बात की, तो मैं गुस्से में आया, मैंने अपने बेटे को पीटा और मैंने उसे भगा दिया अपने पास से, उसको सख्त अल्फाज कहे, उसको डांटा एंड अनकिस्ड, और उसे बोसा भी नहीं दिया. क्योंकि बाप की आदत थी कि वो हमेशा, चूँकि उसकी माँ तो थी नहीं, तो बाप से मोहब्बत मिलती थी, तो बाप अपने बेटे को बोसा दिया करता था, उसे किस किया करता था, लेकिन उसने बिना उसको बोसा दिए वो उसने उसको भगा दिया. हिज मदर हु वाज पेशेंट बीइंग जज, उसकी माँ जो साबिर थी, सब्र करने वाली थी, वो उसकी मौत हो चुकी थी. माँ में ज़्यादा सब्र होता है बाप से, मतलब माँ जो है वो आपकी गलती को 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार भी आपकी माँ जो है वो माफ़ कर सकती हैं, लेकिन फादर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इतना टॉलरेंस नहीं होता, इतना बर्दाश्त नहीं होता, 1, 2, 3 बार उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते वो, ठीक है? वो डायरेक्ट रिएक्शन देते हैं. तो कहती हैं उनकी माँ जो कि साबिर थी, वो मर चुकी थी. देन फियरिंग लेस्ट हिज ग्रीफ शुड हैंडल स्लीप, उसके बाद मुझे डर हुआ लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि उसका गम उसे सोने से रोक दे. उसके बाद मुझे डर हुआ कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा जो है वो गम जो अभी रोते हुए गया है, या फिर जो ऐसा ना हो कि अपने दुख की वजह से, अपने गम की वजह से मैंने जो उसे पीटा है, मारा है, उसे जो डांटा है, बिना बोसा दिए उसे भेजा है, बाहर निकाला है अपने कमरे से, ऐसा ना हो कि गम के मारे वो रोता ही रह जाए और सो ना पाए. आई विजिटेड हिज बेड, मैंने उसके बिस्तर का सफ़र किया, मैं उसके बिस्तर पर गया. आई विजिटेड हिज बेड, मैंने उसके बिस्तर का सफ़र किया, मैं उसके बिस्तर पर गया. बट फाउंड हिम स्लम्बरिंग डीप, लेकिन मैंने पाया कि वो गहरी नींद सो रहा था. अब तो सो रहा था, मतलब जागा मेरी था. विथ डार्किंग आईलिड्स एंड देयर लैशेस येट फ्रॉम इट्स लेस सोबिंग वेट, उसकी आंखों के पिपुटे आईलिड्स डार्क हो रहे थे, तारीख हो रहे थे, और उसकी पलकें अब तक गीली थी देर तक रोने की वजह से. मतलब उसकी आंखों, जब इंसान बहुत रोता है ना तो डार्क आंखें डार्क हो जाती हैं, और क्या होता है कि आंखों के पलकों पर भीगी से बच्चों की होती है, लंबी लंबी पलकें होती हैं ना बच्चों की, वो भीग सी जाती हैं. एंड आई विथ मोन किसिंग अवे हिज टीयर्स लेफ्ट अदर्स ऑफ माई ओन, और मैंने आह भरते हुए उसके आंसुओं को चूमा और अपने खुद के आंसू उसके ऊपर छोड़ दिए. कह रहे हैं कि मैंने उसको बोसा दिया, उसकी आंखों पर बोसा दिया, और कह रहे, शायर कहते हैं, मेरे भी आंसू जारी हो गए हैं जो कि मेरे बेटे के चरुखसार पर, उसके चेहरे पर गिर गए. अब ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसके बाप क्यों इतना इमोशनल हो गया, कोवेंट्री पैटमोर इतना इमोशनल क्यों हो गए? बहुत गहरी नज़म है, ज़रा उसको समझना ज़रा. अभी सिर्फ इंसिडेंट है, मैसेज नहीं आया अभी. आप लोग, ये तो सब बड़ी आसान सी बात चली नज़म के अंदर, लेकिन आगे बहुत गहरा मैसेज है. फॉर ऑन अ टेबल ग्राउंड बिसाइड हिज हेड,
क्योंकि एक टेबल उसने खींचा हुआ था अपने बिस्तर के सिनारे, बिस्तर के सिरहाने एक टेबल था, एक ड्रॉअर था, वो ड्रॉअर खुला हुआ था। ही हैड पुट विजय इन हिज रीच, और उसने अपनी पहुंच में रखा था कुछ खिलौने। इसके नाम पे टाइटल है ट्वाइस। उसने कुछ खिलौने रखे थे अपने कमरे में ना, खेलने के लिए, अपने ड्रॉअर में, अपने बिस्तर के पास, जिससे वो खेलते खेलते सो गया था। उनमें से जैसे छोटे बच्चे ना रोते हैं तो वो खिलौना उनको दे दो तो वो चुप हो जाते हैं। अ बॉक्स ऑफ काउंटर, क्या रखा था? गिनती का एक डब्बा। काउंटर्स मतलब होता है ना डाइस जो होते हैं, डाइस का एक डब्बा रखा था। एंड रेड विंड स्टोन, और लाल धारीदार पत्थर एक रखा था। अ पीस ऑफ ग्लास सेपरेटेड बाय द बीच, एक शीशे का टुकड़ा था जिसको घिसा गया था बीच पर, समंदर के साहिल पर, साहिल समंदर पर। पेपर में सवाल आता है ना कि भाई कौन कौन से टॉयज थे जिनसे बच्चा खेल रहा था, ये खेल कर सो गया था, तो ये सब नाम लिखने होते हैं पेपर में। तो अ पीस ऑफ ग्लास सेपरेटेड बाय द बीच, ठीक है, के शीशे का वो टुकड़ा जिसको, जो शीशे का अगर आप ग्लास के टुकड़ा अगर समंदर की रेत पर घिसोगे ना, रगड़ोगे, तो क्या होगा उससे कि उससे जो है वो एक नक्शो निगार टाइप की एक चीज़ से बनेगी, डिज़ाइनिंग टाइप का कुछ बन जाएगा उसके अंदर ना, शेप जैसा। तो उस तरह से फिर वो शेप बना हुआ था उसके अंदर। अब अच्छा, एंड सिक्स ऑन सेवन शेल, छः या सात सीपियाँ पड़ी हुई थी, सी शेल्स होते हैं ना जो वहाँ से निकालते, वो पड़े हुए थे। एंड अ बॉटल ऑफ ब्लू बेल्स, ब्लू बेल्स का एक बॉटल पड़ा था। ब्लू बेल जो है वो एक फूल होता है, घंटी नुमा होता है, घंटी जैसा होता है, वो ब्लू कलर का होता है, बेली वाला फूल होता है वो। ब्लू बेल्स फूलों का एक बोतल पड़ा था। एंड टू फ्रेंच कॉपर कॉइंस, और दो फ्रांसीसी सिक्के रखे थे। रेंज देयर विद केयरफुल आर्ट, ये सब का सब बड़े मोहताज तरीके से, बड़े केयरफुल अंदाज में रखा था बच्चे ने। टू कम्फर्ट इज सैड हर्ट, ताकि वो अपने उदास दिल को सुकून दे सके, आराम दे सके। सो वेन, तो अब इसके बाद मैसेज शुरू हो रहा है, यहाँ इंसिडेंट खत्म हो गया। सो वेन दैट नाइट आई प्रेड, तो उस रात जब मैंने इबादत की To God, खुदा की, I wept and said, मैं रोया और मैंने कहा, आह when at last I will lie with trans breath, आह आखिरकार जब हम trans breath, आखिरी सांस लेकर लेट जाएंगे, सो जाएंगे, ए अल्लाह जब हम आखिरी सांस लेंगे और हम कब्र में के आगोश में चले जाएंगे, not vexing thee in death, मौत के बाद है खुदा हम तुझे और परेशान नहीं करेंगे। And thou rememberest of what twice, और तू याद रखता है उन तमाम खिलौनों को, we made our joys, जिनसे हमने अपनी खुशियाँ बनाई। हाउ वीकली अंडरस्टूड, कितना कम हमने समझा दाय ग्रेट कमांडेड गुड, तेरे अच्छे अहकाम को। देन फादरली नॉट लेस, और फिर तू किसी तरह से किसी बाप से कम नहीं। देन आई होम दाओ हैस मोल्डेड फ्रॉम द किले, उसके बाद मैं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया, चिकनी मिट्टी से। दाओ वुल्ट लीव दाय रातन से, तो अपने कहर को छोड़ देगा और कहेगा, आई विल बी सॉरी फॉर तेयर चाइल्डिशनेस, मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारी बचपने के लिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब जरा देखो क्या रिलेट कर रहे हैं, नज़म ये तो मैंने ट्रांसलेशन कर दिया, अब समझना है इसको, कि बच्चे ने नाफरमानी की बाप की, बाप को गुस्सा आया, बच्चे को मारा, पीटा, निकाल दिया कमरे से बाहर, बच्चा जो है खिलौने से खेलता खेलता सो गया। अब यही अपनी लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अच्छे क्रिश्चियन पोइट है कॉमेंट्री पेट, वो मुस्लिम पोइट नहीं, नाम से ही दिख रहा होगा। तो ये कहते हैं कि हम इंसान भी ऐसे ही हैं कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने बहुत से अहकाम हमें दिए हैं, बहुत से कमांड्स हमें दिए हैं, हुक्म दिया है बहुत सारी चीज़ों को करने का, जो हम नहीं करते, हम उसको झुटलाते रहते हैं, बार बार झुटलाते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारी मौत हो जाती है, हम मर जाते हैं और कब्र के आगोश में चले जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं, अरे खुदा, जिस तरह मैं एक बाप होकर, ये कहते हैं ना कमेंट्री पैड में, जिस तरह मैं एक बाप होकर मुझे बेटे पर रहम आ गया जब वो सो गया, कि खिलौने से खेल खेल कर सो गया, लेकिन चूंकि मैं बाप था तो बाप का एक जज्बा एक जागा और मुझे उस पर रहम आ गया, मेरे आंसू जारी हो गए और उस तरह से मैंने अपने बेटे को उस तरह से बोसा दिया। इस तरह से ए खुदा तू भी, देन फादरली नॉट लेस, तू किसी तरह से बाप से कम नहीं। अच्छा, अब क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट का डिफरेंट है, आपको पता है क्रिश्चियन के अंदर तीन गॉड्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, फादर सन होली स्पिरिट, बाप बेटा मुकद्दस रूह। बाप से मुराद अल्लाह ताला है, बेटे से मुराद जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, और मुकद्दस रूह से मुराद हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम। इन तीनों को गॉड कहते हैं क्रिश्चियंस, ईसाई, ट्रिनिटी का बिलीफ जो उसको हम कहते हैं ना, वो कहते हैं। तो वो खुदा को बाप से तशबीह देते हैं, जबकि हम नहीं कहते हैं, हम सूरह इखलास के पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम कहते लम यलिद वलम यूलद, ना तू किसी का बाप है, ना तेरा कोई बाप है, ना तूने किसी को जना है, ना तू किसी के जरिए जना गया है, पढ़ा है ना बचपन से, सुनते हुए आ रहे हैं। तो खुदा को हम बाप नहीं कह सकते हैं, ना ही हम कह सकते हैं उसका बेटा माजाला कोई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि तू भी किसी तरह से बाप से कम नहीं, जब हम मर जाएंगे तो मुझे और मुझ समेत तमाम क्रिश्चियंस को तू माफ़ फरमाएगा, तू माफ़ कर देगा। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि लूसी ग्रेम जब हमने पढ़ा था ना, कि इन हेवन वी ऑल शैल मीट,
जन्नत में हम सब दोबारा मिलेंगे, तो ब्यूटीफुल हैंड्स में भी आई विल क्लास्प योर हैंड, यस लास्ट स्टेंजा में जो था उसके इन हेवन। तो उसमें क्या चीज़ है कि क्रिश्चियंस का ये कॉन्सेप्ट है कि उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा जन्नत में जाएंगे, क्यों? चूँकि उनको क्या कहते हैं कि जो ईसा अलैहि सलाम मसलूब हुए हैं क्रॉस पर जो चढ़े, तो वो तमाम गुनाहों को अपने सर पर लेकर वो दुनिया से चले गए, तमाम क्रिश्चियंस के। इसलिए क़यामत तक आने वाले ईसाई जितने भी गुनाह कर लें, अगर वो ईसाई हैं, ईसा अलैहि सलाम को माज़ल्लाह वो खुदा का बेटा मानते हैं, तो उनको कोई गुनाह नहीं है किसी भी गलत काम को करने का, इसलिए वो जन्नत में जाएंगे सबके सब।